हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 7th क्लास का हिंदी किसलय भाग 2। ये 9th क्लास का नॉन हिंदी भी है और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लो चैप्टर नंबर 6 गंगा स्तुति। यह एक कविता है और यह मैथिली भाषा में लिखा गया है और इसके कवि हैं विद्यापति। कविता को शुरू करते हैं। लिखा है, बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ा इत निकट नयन बहनी रे। यानी विद्यापति कहते हैं कि ए गंगा माँ, मैं तुम्हारे किनारे बहुत वर्षों से रहा और बहुत सारे सुख सुविधा पाया, और जब मैं इसको छोड़ कर जा रहा हूँ तो मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं, यानी छोड़ कर जाने का मन नहीं है। इस तरह से दूसरे श्लोक में कहते हैं, कर जोरी बिन मओ बिमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुन मति गंगे। ए गंगे माँ, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे दर्शन पुनः हो, यानी कि मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊं। इसी तरह से अगले श्लोक में कहते हैं, एक अपराध छेमब मुरजानी, परसल माए पाए तू पानी। कहते हैं कि मेरी एक अपराध को क्षमा कर देना। तुम्हें पता है कि मैं जब जब स्नान करने के लिए आता था, तेरे जल से मेरे पैर स्पर्श हो जाते थे। विद्यापति कहते हैं, मैं गंगा स्नान को आता था तो मेरा पैर गंगा नदी से के पानी से जल से स्पर्श होता था, इसीलिए मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैंने तेरे पवित्र जल को पैर लगाया था। इसी तरह से आए कहते हैं कि करब जब तप जोग ध्याने, जन्म कीर्तार्थ एक ही स्नाने। फिर कहते हैं, अब मैं जोग तप जब तप योग ध्यान लगाकर क्या करूंगा, जबकि मेरा जन्म एक ही बार में स्नान करने से कृतार्थ हो गया। यानी मैं एक ही बार में तेरे जल में स्नान कर लिया तो पवित्र हो गया, सफल हो गया। अब मैं जब तप करूं या ना करूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। विद्यापति आय कहते हैं, वनाई विद्यापति समझ हो तो अंत काल जनु बिसरहु मोहि। कहते हैं, ए गंगे माँ, मैं तुमसे मतलब विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मैं अंत काल में मुझे भूलना नहीं, यानी कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, फिर यहीं पे आऊं और इसी जल में विलीन होना चाहता हूँ। ये कौन लिख रहा है? विद्यापति लिख रहे हैं। शब्दार्थ देखते हैं। दर्शन का अर्थ होता है दर्शन का अर्थ होता है दर्शन। इस तरह से भनई यानी होता है कहते हैं, स्नान यानी कि होता है स्नान करना, नहाना। पुनमति यानी होता है बार बार, दोबारा। क्षमा यानी कि क्षमा करना। समदाओ यानी प्रार्थना करना। विबल यानी होता है पवित्र। और परसल यानी होता है इस तरह से प्रश्न अभ्यास है पाठ से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि हैं विद्यापति। कौन है? विद्यापति। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा किनारे छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो लिखेंगे, गंगा स्तुति में विद्यापति को गंगा के किनारा छोड़ते हुए इसलिए आंसू आता है कि वह वर्षों से इस नदी के किनारे रहते थे और बहुत सारे सुख सुविधा प्राप्त किए थे, गंगा नदी में स्नान किए थे, उन्हें गंगा नदी से लगाव हो गया था, प्रेम हो गया था, इसलिए छोड़ते समय उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 यानी 3 है, कवि गंगा के किस अपराध की क्षमा मांगते हैं? लिखेंगे, कवि विद्यापति गंगा से इसलिए क्षमा मांगते हैं क्योंकि जब भी स्नान करने जाते थे तो उनका पैर यानी कि उनका पैर गंगा नदी के पवित्र जल से स्पर्श कर जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। यानी कि क और ख दिया गया है, जो दो दो लाइन को पूरा करना कर रहा है। एक नंबर, की करब जब तब जोग ध्याने, तो इसका आंसर होगा देखिए ऊपर में, जन्म कीर्तार्थ एक ही स्नाने। इसी तरह से ख में है, अंतकाल जनु बिसरहु मोहि, तो आंसर होगा भनाई विद्यापति समदा हो तो ही। इस तरह से
चारों क्वेश्चन समाप्त हुआ ये और ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।